सो हेलो गाइस, तो कैसे आप सभी लोग और स्वागत है आपका मेरे एक नए एपिसोड में। और आज हम फिर से एक बार खेलने वाले हैं इंटरनेट कैफे सिमुलेटर 2। और हाँ, आप सबको मैं बता दूं, अगर आपने मेरा पिछले वाला एपिसोड देखा होगा, अगर नहीं देखा तो जाके देख लो। उसमें हमने 2 मिलियन डॉलर कमाए थे हमारी पूरी फैमिली ने मिलके। बट इनकी मैंने अभी जॉब रोक दी है, इन्हें मना करा है शॉप मतलब यार काम पे जाने से। तो ठीक है, इनके लिए फिश भर के रख देते हैं। और हाँ, आज का हमारा ये एपिसोड भाई के मतलब गेम के रिगार्डिंग नहीं है, हमने एक स्टोरी सी बनाई है छोटी सी। अगर आप सबको पसंद आएगी तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना। और हाँ, बस ये ना बोलना भाई कि आपने ये स्टोरी बना ली है, इसलिए पहले से ही मैं बता दे रहा हूँ ये मैंने स्टोरी अपनी तरफ से बनाई है। तो चलो गाइस, हम चलते हैं पहले अपनी शॉप पर। और हाँ, शॉप पर चल के देखते हैं हमारी शॉप कैसी चल रही है। और यहाँ काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है यार, बारिश के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और सेकेंड हैंड शॉप पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे पीसी है यार, आज मैं आया और पीसी काफ़ी ज़्यादा बारिश के टाइम ही लेके आया ये। तो चलो, और यहाँ पे क्या टाइमिंग है, यहाँ पे 1 मिनट बचे हुए हैं। ठीक है, मैं ग्रीन वाले पे लगाता हूँ आज, और देखते हैं आज हमारा लक कैसा होगा कि हमारा हॉर्स ग्रीन वाला जीतेगा या नहीं, क्योंकि हमेशा वही जीतता है, बट आज नहीं पता कि जीतेगा। तो ठीक है, यहाँ पे हमारा एक बंदा लगा तो हुआ है गेम खेलने पे। ठीक है, हमारा कैफ़े ओपन है, पैसा वैसा कमा रहे हैं। कैन देख रहे हो, अभी नीचे कूड़ा पड़ा था बट हमारी मशीन ने आके उठा लिया। और यहाँ ये कौन से कस्टमर को भाई कोई कस्टमर ही नहीं बैठा, ये भूत को दे रही है क्या भाई, घोष्ट है यहाँ पे, मतलब यार अलग ही चल रही है ये। और यहाँ पे ना थोड़ा कबाड़ा फैल चुका है, तो इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, इसको मतलब मेरे को लग रहा है रीबिल्ड करना पड़ेगा। तो चलो, अभी जितना हमारा कैफ़े चल रहा है चलने दो। और यहाँ पे ठीक है, यहाँ लड़की काम करने पे लगी, अपना गेम वेम खेलेगी और हमें पैसे मिलेंगे। बट मेरे पास अभी भी वो 20 लाख डॉलर अभी भी मेरे पास है, मतलब 2 मिलियन डॉलर ये समझो। तो ठीक है, अभी और बंदे आए यहाँ पे। चलो ठीक है, अभी के लिए मैं मेरा हॉर्स भी तो जीतना रह गया, 2 मिनट में अपने हॉर्स को भी देख लेता हूँ यहाँ पे। तो 5 सेकेंड, 4, 3, 2, 1, फाइनली हॉर्स रेस स्टार्ट हो चुकी है और हमारा हॉर्स पहली बार पहले नंबर पे है। बट ठीक है, ये ज़्यादा देर की खुशी नहीं है, क्योंकि मेरे को पता था ये पीछे करेगा भाई, हमेशा हरे वाला जीतता है। बट इस टाइम ना ये कुछ ना कुछ कर देता है, जिससे कि ग्रीन वाला भाई कोई भी हमारा हॉर्स हो जिस पे पैसे लगाए वो लास्ट में आ जाता है। तो चलो ठीक है, अभी के लेना। और इस बारिश का भी वेट करना पड़ेगा मेरे को यार, देख रहे हो साइड में कैसे पानी जैसा हो गया है। बट ठीक है, सेंटर में ज़्यादा पानी नहीं हुआ है। तो ठीक है, हम घर चल के भाई सोएंगे, अगले दिन का वेट करेंगे, जिससे कि ये होगा हमारी जो बारिश है वो शायद से रुक जाए अगले दिन। तो चलो, और यहाँ देख रहा हूँ मेरा हॉर्स 4th नंबर पे आ चुका है, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत बात है यार, इतनी जल्दी 4th नंबर पे कैसे आ सकता है भाई, वो पहले पे था। और यहाँ पे 3, 4, ठीक है 5वें नंबर पे। अब तुम समझ ही चुके हो कि हमारा हॉर्स कभी नहीं जीतने वाला, इसमें पता नहीं कैसे जीतेगा, अब मेरे को नहीं पता। बट तुमने बोला था ग्रीन या ब्लैक में से लगाओ, उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं, पता नहीं अब भाई वो कौन सा चांस है जब ये जीतेंगे हमारी बारी में। तो चलो ठीक है, अभी मैं सोच रहा हूँ क्यों ना अपने घर चलूँ। और घर चल के क्या करता हूँ भाई, सोता हूँ आज के दिन। और हाँ, सोने के बाद देखते हैं नेक्स्ट दिन भाई हमारा जो एक क्लीन होगा या नहीं। और हमारे पास अभी तुम्हें पता है बहुत भारी वेव गन पड़ी है, उसको भी मैं सोच रहा हूँ अपने घर पे ही रख दूंगा। और हाँ, घर पे क्या अपनी बीवी को दे दूंगा, जब तक वो मेरी बीवी ना अपने पास रखेगी, कहीं पे रख देगी जहाँ उसको अच्छा लगे। तो चलो, अभी ना मैं जल्दी से घर चल लेता हूँ। तो ठीक है, यहाँ पे दरवाज़ा खोलो, ठीक है डन, यहाँ से चलते हैं। और ये रही हमारी वाइफ, कल दूंगा मॉर्निंग में। तो ठीक है, हम चल के जल्दी से सोते हैं। तो ठीक है गाइस, यहाँ पे हम सो के उठ चुके हैं सुबेरे, और अब चलना है अपनी वाइफ को, मैं सोच रहा हूँ वेव गन दे दूँ पहले। तो ठीक है, अभी फिर चलते हैं अपनी शॉप पर। तो यहाँ पे देता हूँ, ये देखो भाई कितनी ज़्यादा गलत हमारी ये वेव गन है। तो ठीक है, अभी ना इसको ना भाई पकड़ा के जाता हूँ, हाथों में पता लगे कहीं, बोले भाई मेरे को हाथ, भाई इसने पकड़ा क्यों नहीं, इसको रखना है इसको भाई, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक गन है ये। तो ठीक है, हमारी फैमिली के काम आएगी, अगर हमारे घर में कभी चोरी वोरी होती है तो ठीक है, इस गन से हम उसको मार के भगा सकते हैं। तो इसे रख अपने पास, ठीक है इसने अपने पास रख लिया है, पता है भाई गेरी जा रही है बार बार, बस इसके पास रहेगी वो, ठीक है अभी के लिए। तो इसको मैं उठाऊँ क्या भाई, अभी मैं इसको पास छोड़ के जा रहा हूँ इसे। तो चलो, अभी गेट बंद करो यहाँ, और यहाँ से मेरे को ना अभी एलिवेटर को ऊपर बुलाना पड़ेगा। और ठीक है, एक चीज़ अच्छी है कि जो हमारा बारिश का मौसम था वो ख़त्म हो चुका था, क्योंकि हमारी जो स्क्रीन है उस पर साइड पर यार बारिश अच्छी नहीं लग रही थी। तो चलो ठीक है, हमारी एलिवेटर भी आ चुकी है, अब हम चलते हैं अपनी शॉप पर। और हाँ, शॉप पर चलने के बाद बहुत सारा काम करेंगे, और काम तुम्हें पता है भाई पैसे कमाने का करना है।
तो चलो ठीक है, अभी एलिवेटर हमारा नीचे जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वैसे पहुँच चुका है, मुझे लगा टाइम लगेगा यार। तो ठीक है, यहाँ पे जा चुका है और यहाँ पे चलते हैं हम। आज कहाँ से सेकंड हैंड शॉप पर चले, या चलो छोड़ो आज सेकंड हैंड शॉप से नहीं चल के ही देख लेते हैं यार, कहीं कुछ लेके आया हो यहाँ पे। नवा तो कुछ भी नहीं लेके आया, तो चलो अभी ना मैं यहाँ से निकलता हूँ जल्दी से। और यहाँ पे क्या, नहीं छोड़ो यार, आज क्लब पे क्या जाना। तो ठीक है, अभी यहाँ पे हम हॉर्स पे भी लगा सकते हैं और मैं लगाना भी नहीं चाहता। और वो होबो जा रहा, बहुत दिनों बाद होबो भी मिला है। और एक सेकंड भाई, ये क्या बोल रहा है, मोमेंट देख लेता हूँ मैं। ठीक है, गिव बैक माय वेव गन वेपन। ओ माय गॉड भाई, ये तो बोल रहा है कि जो हमने इसे गन बाय करी थी वो इसे हम वापस कर दें। पर वो तो मैं मॉर्निंग में अपनी वाइफ को देके आया था। चलो कोई बात नहीं है, मैं इसको गन इसकी वाइफ मतलब यार वापस कर दूंगा। बट ठीक है, इसका कोई ना कोई इशू होगा, तो चलो मैं इसकी गन लेने चलता हूँ अपने घर पे। अपनी वाइफ को आज ही देके आया हूँ मैं गन अपनी। ठीक है, अगर मैं साथ लेके घूमता तो अभी मैं साथ के साथ ही इसको दे देता भाई। हो वो भी ना आज खतरनाक बन रहा है। तो चलो कोई नहीं, अभी के लिए ना मैं चलता हूँ गन वापस लेने के लिए। तो ठीक है, होबो जा चुका है, इसका हमने रास्ता छोड़ दिया है, हम भी चलते हैं अपनी गन को लेने के लिए अपनी वाइफ से वापस। तो ठीक है, मैं यहाँ से अपना डोर बंद करता हूँ और चलते हैं एलिवेटर। तुम्हें पता है अपना एलिवेटर कितना ही ज़्यादा खतरनाक है। तो चलो जल्दी से चलता हूँ यहाँ से एलिवेटर पर अपने। और हाँ, अभी देखना है कि हमारी जो वाइफ है उसने कहाँ रखी है। मेरे हिसाब से अपने पास ही रखी होगी गन। तो ठीक है, हम आ चुके हैं भाई उस फ्लोर पे। खाना वाना भी नहीं खाया यार मैंने तो अभी। तो ठीक है, अभी मेरे को ब्रेकफास्ट भी करना है, तो जल्दी से मैं डोर ओपन करता हूँ और हाँ यहाँ चलता हूँ। और वे एक सेकंड भाई, ये वाइफ कहाँ गई मेरी? ओ भाई दो मिनट, मेरी वाइफ तो नहीं है, बट शायद से गन यहीं कहीं रख के गई हो वो। तो ठीक है, गन मेरे हिसाब से यार मुझे दिख नहीं रही। बेड के भाई, बेड तो इतना छोटा सा है। और यार वो गन, दो मिनट इस छोटू से अपने पूछता हूँ, मेरा पुष्पा लड़का भाई कहाँ कहाँ गई है, तेरी मॉम कहाँ गई है, जल्दी बता मुझे। तो ठीक है गाइस, अपने लड़के से मैंने बात करी और वो कह रहे कि मॉम भाई तुम्हारे जाने के बाद ही यहाँ से चली गई थी अपने जॉब पर, और उन्होंने बोला था थोड़ा इंपॉर्टेंट काम है वहाँ पे। तो ठीक है, हमें भाई उनकी जॉब पर चलना पड़ेगा, मतलब क्लब में। और मैं चेक करता हूँ क्लब में, उससे पूछता हूँ भाई गन कहाँ रखी है उसने, शायद से मुझे लग रहा है ना अपने साथ लेके गई है। हाँ, गन की कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से, उसके पास ही होगी, मुझे लगा भाई घर पे रखी होगी। तो चलो मैं जल्दी से भाई आज मेरा एलिवेटर पे ही उतरना, नीचे आना हो रहा है सच में। और होबो ने भी भाई पता नहीं, उससे मैंने $25 की मांगी थी, $25,000 की ली थी, और भाई उससे भी पता नहीं क्यों आज ही वापस चाहिए। तो चलो अभी ना मैं यहाँ से चलता हूँ जल्दी से। और सेकंड हैंड शॉप में नहीं जाना हमने, अभी जाना है क्लब में और देखना है क्लब में कि ये रहा ये क्लब। अभी ये भाई ये आज पता नहीं क्यों नहीं ओपन कर रहा है क्लब। तो जल्दी भाई क्लब ओपन करना, आज हमें जाना है, इम्पोर्टेंट है क्लब में जाना। तो चलो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और जल्दी से चलता हूँ अपनी वाइफ के पास। ठीक है, मेरी वाइफ फ़ोन आ चुकी है, इससे मैं बात करता हूँ। और ये भाई ये नाचना नहीं है, मेरी बात सुन दो मिनट, जो मैंने गन दी थी वो कहाँ है? तो ठीक है गाइस, इससे बात करी और उसने बोला मेरी गन जो दी थी ये डीजे वाले भैया के पीछे पड़ी थी। ओ भाई, ये डीजे वाले भैया गन जो दी थी तुम्हारे को, भाई मेरी वाइफ पगला गई है लग रहा है आज। इसको मैंने गन दी और उसने बोल रही है कि मैंने डीजे वाले भैया को दे दी थी, और डीजे वाले भैया के पास भी कोई गन नहीं है। ओ भाई नाच बाद में लेना, इतना बड़ा काम फंस भाई, होबो को गन चाहिए। और मैं जानता हूँ होबो ने भाई बहुत बहुत तगड़े तगड़े काम किए हैं, मतलब तुम्हें पता ही है कितनी कंपनीज उसने बंद करा दी है, बहुत ही खतरनाक है होबो। तो ठीक है, अभी यहाँ से मैं सोच रहा हूँ निकलता हूँ और चलता हूँ अभी होबो के पास भी चल के आता हूँ। दो मिनट रुको, होबो कहाँ है भाई, होबो से बात करनी पड़ेगी मेरे को। होबो ढूंढता हूँ मैं कहाँ पे गया। और ये भाई ये क्या है बंदे यहाँ के। तो चलो अभी के लिए मैं जल्दी से होबो के पास चलता हूँ। ठीक है, होबो यहाँ कहीं, आज मेरे को होबो दिख क्यों नहीं रहा, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है कहीं भाई, यहाँ माइन वाली जगह पे होगा क्या? नहीं भाई, इधर पे भी नहीं है होबो। अभी मेरे को और कहीं जाके देखूँ क्या, यहाँ पे भी नहीं है होबो। ठीक है, मैं एक ही मेरी शॉप के पास चल के देखता हूँ कहीं वहाँ। अबे ये मेरी शॉप के पास कहाँ घूम रहा है भाई? दो मिनट वेट भाई, मेरी शॉप के पास क्या कर रहा था ये? दो मिनट, होबो से मैं बातचीत कर लेता हूँ अभी। तो यार मैंने होबो से बात करी और उसने बोला मैंने तुम्हारी दुकान पूरी की पूरी मतलब कैफ़े तुम्हारा डिस्ट्रॉय कर दिया है, और हाँ अगर मेरी गन नहीं मिली तो तुम्हारी दुकान मैं बंद कर दूंगा, मतलब तुम्हारे पास यहाँ कोई भी कैफ़े नहीं होगा, तुम कहीं से भी पैसा नहीं कमा सकते हो। ठीक है, अपनी नाम शॉप ओपन एक बारी करके देख लेते हैं कि हमारी शॉप का क्या हाल हुआ है इस वक्त। तो दो मिनट, यहाँ पर शॉप ओपन हो चुकी है
और भाई यहाँ पे इसने नीचे तो पूरी तबाही मचा दी है। मेरे हिसाब से नीचे भी काफ़ी ज़्यादा सामान था, तो ठीक है यहाँ पे इसने पूरी शॉप को बंद कर दिया। तो मैंने दिखाया था अपनी शॉप ओपन थी और अभी बंद हुई है ये शॉप, और उसने ना भाई सही में पूरी तरह से हमारी शॉप को उड़ा के रख दिया। और मेरे बंदे वो सही में इस टाइम चक्कर आ रहा भाई। तो ठीक है अभी ना मैं अपने ना ऊपर वाले सेकंड मतलब फर्स्ट फ्लोर पे जाके देख लेता हूँ भाई उस वाले का कुछ हाल। तो मतलब अगर उसमें बहुत सारा सामान है वहाँ कुछ ना कराओ भाई। ये तो उसने भी उड़ा के भाई, ये वाली शॉप तो नहीं उड़ानी चाहिए थी यार, फर्स्ट फ्लोर तो नहीं भाई, बहुत ही गलत करा इन्होंने। और होबो के साथ मैंने पंगा नहीं लिया था, बस उसे उसकी गन देनी थी और भाई हमने वापस चला जाना था। बस मेरी वाइफ ने गन पता नहीं कहाँ रख दी और वो पता नहीं चोरी हुई है या क्या हुआ है, मेरे को गन का बिल्कुल भी नहीं पता। और यहाँ पे हमारा काम है बिल्कुल तरह से ख़राब हो चुका है भाई, यहाँ पे सही में बहुत बुरा हाल है। तो ठीक है अभी मैं क्या ही कर सकता हूँ, और मेरे बंदे को भाई चक्कर आ चुके हैं इस टाइम। तो ठीक है अभी मेरा बंदा घर से ही उठेगा, तो ठीक है भाई घर से उठ चुका है यहाँ पे। और चलो हम दोबारा से चलते हैं अपनी शॉप पर, तुम्हें पता है हमारी शॉप का क्या हाल कराया होबो ने। तो ठीक है अभी के लिए मैं जल्दी से चलता हूँ मतलब अपनी शॉप पर, और वहाँ देख के पता चलेगा कि क्या हो सकता है। फिर चलते अपनी वाइफ से बात करने के लिए, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना वाइफ से बात करूँ, हाँ उससे पता लगेगा कि हमारी जो वेव गन है वो कहाँ पे है। तो चलो अभी ना मैं यहाँ से जल्दी से भाई थर्ड फर्स्ट फ्लोर पे चलता हूँ। तुम्हें पता है हमारी भाई आज क्या ही हालत हुई है शॉप की, मेरे को ना सही में इतना ज़्यादा भरोसा नहीं था कि हमारी शॉप का ये हाल होगा, बट भाई होबो ने सही में आज अपना बदला ले लिया है। तो चलो ठीक है अभी एक वेव गन के लिए, और उसने मेरी शॉप छोटी सी बात ही करके गया था उससे, वो ढूंढ ही रहा था, ओ भाई वो भी शायद से ना मेरे को ही ढूंढ रहा होगा। तो चलो ठीक है अपनी भाई मैं सही में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है यहाँ पर मेरे को। तो यहाँ देखो जो हाल करा है हमारी शॉप का इसने भाई, मेरे को ना बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इसने अपनी शॉप को दोबारा से बनाने के लिए। बट ठीक है इसकी गन मिल जाए उससे ये होगा कि हमारी जो शॉप है भाई वो ठीक हो जाएगी और हमारा काम चल जाएगा। तो चलो भाई यहाँ तो सही में बहुत ही ज़्यादा कचरा कर दिया इसने हमारी शॉप का, तो अभी मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो ठीक है अभी के लिए मैं जल्दी से चलता हूँ अपने, सोच रहा हूँ वहाँ पर चलते हैं, कहाँ क्लब में चलते हैं वाइफ की। और ये देखो भाई ये पूरी तरह से लगा हुआ है हमारे कैफ़े के आगे पीछे घूमने में, और मेरे हिसाब से ना सही में ये काम ख़राब करेगा, इसको मेरे को वेव गन ला के देनी पड़ेगी भाई। हो वो बाद में आ जाइयो ना यार, एक दिन का टाइम तो दे भाई, कोई टाइम भी देता है यहाँ पे तो मेरी शॉप सही में बंद करा के ही मानेगा। तो चलो अभी यहाँ से मैं चलता हूँ जल्दी से क्लब में, और यहाँ भाई मेरी शॉप का सही में देख के बहुत ही बुरा हाल हो चुका है। तो ठीक है अभी मैं होबो का अभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसको मैं टच भी नहीं कर सकता, इतना मतलब ख़तरनाक बंदा है वो। तो ठीक है अभी के लिए यहाँ पुलिस कंप्लेन नहीं करी वैसे मैंने भाई, पुलिस मतलब इलीगल वेपन रख रहा हूँ और मैं पुलिस कंप्लेन करूँगा तो मेरा क्या होगा। तो ठीक है ये रही मेरी वाइफ, तो यहाँ पे इस डीजे वाले से मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है डीजे वाले भाई मेरी बात तो सुन ले दो मिनट। तो ठीक है अभी इससे मैं बात करता हूँ। तो ठीक है इससे बात करने के बाद पता चला कि ये मेरे को बोल रहा है भाई तुम ना एक बार ही जाके जहाँ आप सट्टे खेलते हैं ना मतलब तुम्हें पता है ना जुआ खेला जाता है यहाँ पे, पत्ते खेलते हैं वहाँ पे ना पत्ते खेलो उनके साथ, और शायद से वो तुम्हें बता दें कि तुम्हारी जो वेव गन है वो कहाँ पे है। तो चलो और अगर हम इनसे मतलब खेलते हैं हारना हमें पड़ेगा, जीत नहीं सकते हम। तो चलो मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं भाई, पैसे भी नहीं ले रहा हो वो कि पैसे ले ले, तो मैं अभी 500 की लगाता हूँ यहाँ पे। तो ठीक है अभी इनसे लगाया है मैंने, दो मिनट वाली गेम में हारना चाहता हूँ। तो ठीक है इनसे मैं अच्छे खासे पैसे हार के जाऊँगा तो ही ये मेरे को बताएंगे। तो चलो बिना 500 की और लगाई है यहाँ पे, तो ठीक है स्टैंड कर देता हूँ अभी। अबे जीतना नहीं है भाई, हारना है आज। तो ठीक है भाई यहाँ हारना है, और एक एक गेम जीत चुका हूँ एक गेम हार चुका हूँ, तो दो मिनट रुको 1000 रुपये की लगाते हैं हम। ठीक है यहाँ पे इनसे बातचीत करने का तो मेरे को लग रहा है भाई मौका तो है। ठीक है यहाँ से भाई ये जीत तो रहे हैं, बस ये बता कुछ भी नहीं रहे भाई, ये बहुत ही ज़्यादा कंजूस है सच में यार, इतने पैसे इन पे लगा रहा हूँ और ये बता भी नहीं रहे। तो ठीक है थोड़े से और हारता हूँ 10,000 एक बार हार के देखता हूँ, शायद से ये हमें कोई ना कोई हमारी गन के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दे। तो ठीक है अभी ना मैं इनसे 10,000 की पारी लगाई, मतलब $10,000 लगाए हैं, आप देख लेते हैं हम हार। भाई हार चुका हूँ यहाँ पे मैं,
तो ठीक है एक बार इससे और बात करके देखता हूँ मैं। तो ठीक है गाइस, इसने मेरे को ये बोला कि जो तुम्हारी गन है वो इस टाइम चोरी हो चुकी है। और भाई क्या ही कर सकते हैं, अब हमारी गन चोरी हुई है। बस इसने उसका नाम नहीं बताया, कह रहा हमारे इस काम में मैं उसका नाम नहीं बता सकता, बस ये इतना बता रहा हूँ तुम्हारी गन चोरी हो चुकी है। भाई ढूंढ सकते हो तो उसे ढूंढ लो। और इन्होंने इसमें तो सही में नहीं डाली, इन्होंने तो नहीं चोरी करी भाई, पता लगे इस संदूक में डाल के रखी हो इन्होंने। बट ठीक है, एक चीज तो हमें कंफर्म हो चुका है कि मेरी वाइफ को, जो मैंने सही में बहुत ही ज्यादा पागल लड़की है वो, भाई हमने सोचा था कि हमारी वो गन रख के रखेगी संभाल के मेरी वाइफ, बट भाई सही में बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है इन पे, बाहर वालों पे गुस्सा निकल रहा है वो। और इस टाइम हमारी जो गन है वो चोरी हो चुकी है, तो कुछ ना कुछ क्या ही कर सकते हैं। और हमारा कैफे भी भाई डिस्ट्रॉय हो चुका है इस टाइम। तो चलो भाई सही में अभी ये गन को ढूंढने के लिए अब अगले एपिसोड में पता चलेगा वो गन है कहाँ। तो ठीक है, अगर तुम्हें इस वाले एपिसोड में मजा आया हो तो मेरे को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और हाँ कमेंट करके जरूर बताना अगर तुम्हें बिल्कुल भी मजा आया हो और अगले एपिसोड चाहिए तो बता जरूर देना। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।